नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी कॉमन कैडर ज्वाइनिंग के बारे में। तो पोस्ट और डिपार्टमेंट कब मिलेंगे भाई, सैलरी कब से मिलेगी, सभी जिलों की ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट है वो कहाँ से आपको देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग की। तो ज्वाइनिंग जो है लगभग 10-11 जिलों की आ चुकी है और लगभग ये कह सकते हैं 10 से 12 जिलों की पेंडिंग भी है, ठीक है। उनकी लिस्ट नहीं आई है, जितनी भी लिस्ट आई है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो पोस्ट और डिपार्टमेंट कब मिलेंगे, ये जो भी आपकी ज्वाइनिंग होने लग रही है ये होने लग रही है टेम्परेरी, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डिपार्टमेंट नहीं दिया जाएगा, कोई भी पोस्ट आपको स्थाई पोस्ट नहीं दी जाएगी, ठीक है। आपके ज़िले में डीसी ऑफिस में आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी, डीसी ऑफिस से आगे आपको भेज दिया जाएगा, या एसडीएम ऑफिस भेजो, तहसील में भेजो, या फिर जो है बीडीपी ऑफिस में भेजो, या फिर डीसी ऑफिस में ही रखो, ठीक है। वो इलेक्शन की ज़रूरत के हिसाब से होगा सब, ठीक है। तो पोस्ट और डिपार्टमेंट अभी कोई फिक्स नहीं होगा आपकी, बाकी ड्यूटी ले ली जाएगी। बार बार घर बैठे आप परेशान हो रहे थे कि बुलाएंगे कब, कब बुलाएंगे, कब बुलाएंगे, तो वो समस्या आपकी कर दी है इन्होंने दूर, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, हर रोज़ वहीं पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। इलेक्शन को देखते हुए जो भी काम होगा आपका वो काम आपसे ले लिया जाएगा, ठीक है। ये है पोस्ट और डिपार्टमेंट की बातें। सैलरी कब से मिलेगी, तो सैलरी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिस दिन से आप ज्वाइनिंग कर चुके हो 9 मार्च से या 10 मार्च से, जिस दिन आपने रिपोर्ट कर दिया था आपकी कमिश्नरी में, सैलरी उसी दिन से मिलेगी। और अभी इलेक्शन ड्यूटी में बुलाना इस बात पर मोहर लगाता है कि आपकी सैलरी पक्की है, आपको कोई समस्या लेने की आवश्यकता नहीं है। डिपार्टमेंट देने में जो देरी सरकार की तरफ से की जा रही है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इस बात पे भी पक्की मोहर लगती है कि आपकी सैलरी मार्च से ही मिलेगी जब आपने ज्वाइन कर लिया था। सभी ज़िलों की ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, तो 10 के लगभग जो है ज़िलों की लिस्ट आ चुकी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको बुला लिया गया है। बचे हैं तो कुछ कमिश्नरी कह सकते हैं, कुछ ज़िले कह सकते हैं, जैसे जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, ठीक है। तो इस साइड में जैसे करनाल है, कैथल है, तो इनकी जो बची हुई है जिन ज़िलों की, उनको भी जल्दी बुला लिया जाएगा। आज या कल में इनकी भी लिस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा देंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आर के न्यूज़ अपडेट के नाम से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सीधे आप यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह सुबह ये लिस्ट आई है जज्जर की और चरखी दादरी की, ठीक है। और ग्रुप डी की ये जो भिवानी वाली लिस्ट है कल ही डाल दी थी मैंने, और जाओगे ऊपर देखोगे तो सभी लिस्ट आपको मिल जाएंगी। ये रोहतक के लिए जो रोहतक कमिश्नरी है, 5 जिले हैं, इसके 5 जिलों के लिए नोटिस जारी हो चुका है। बाकी ये लिस्ट देख सकते हैं, ये फतेहाबाद की है, फरीदाबाद की है और गुड़गांव की है, ये नोटिस आया था कल। ये इंद्री की है, ये नू की है, और भी हैं ऊपर लिस्टें, सारे ज़िलों की डाल रखी है यहाँ पे नू लिस्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं गुरुग्राम, पानीपत, नारनौल, रेवाड़ी और पलवल, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लिस्ट आपको मिल जाएंगी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट की आपको डाउनलोड करनी है, जिसकी भी लिस्ट आती रहेगी टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस जरूर कर लेना ताकि हर अपडेट आपको मिले, और टेलीग्राम ग्रुप को से जरूर जुड़ जाना। वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।